होगी कि बहुत सारे लोग मेरे मेकअप इंडिया वाले वीडियो का पूरा स्क्रिप्ट कॉपी करके अपने चैनल पर डाल चुके हैं। इस चीज के लिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, जाने दो। पर ये जो मेकअप इंडिया का यूआई है वो आप लोगों को कोई भी नहीं देने वाला है, क्योंकि इसे मैंने खुद बनाया है। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाता हूँ आप लोग को इसका फर्स्ट लुक। तो ये रहा हमारा मेकअप इंडिया का यूआई, आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। भाई लोग मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप लोग को वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, तभी आप लोग इसे प्ले कर पाओगे। जो जो इसे प्ले करना चाहता हूँ वीडियो को लाइक कर देना। मैं कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, जो भी चीजें हैं जल्दी से जल्दी आप लोग को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग सेटिंग में जाता हूँ तो यहाँ पर एक F5 बटन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसे आप लोग अपना कैमरा एंगल को बहुत ज्यादा इजीली तरीके से चेंज कर सकते हो। बाकी आप लोग को यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट बटन भी मिल जाएगा पॉज स्क्रीन में, जिससे आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। यहाँ पर मैसेज में आप लोग को 4 बटन देखने को मिल जाएगा, जिससे आप लोग कोई भी कमांड को यहाँ पर बहुत ज्यादा इजीली तरीके से अप्लाई कर पाओ। ये तो हुआ हमारा मेकअप इंडिया का फीचर। अब मैंने जो जो मोड यूज किया था मैं आप लोग को वो भी दिखाया था। आप लोग को सारे इंडियन फूड देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, देख सकते हो रोटी सब्जी यहाँ पर समोसा वगैरह सारी चीज है। फूड को एक इंडियन क्रिएटर ने बनाया जिसका नाम आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप लोग इनके चैनल को जाकर चेकआउट कर लेना, इंडियन क्रिएटर को भी आप लोग सपोर्ट किया करो। इसके बाद मैंने एक इंडियन गॉड मोड यूज किया था, यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे भगवान की मूर्ति आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ कुछ भगवान जी का मूर्ति को यहाँ पर रख दिया, जो कि काफी ज्यादा सही है। इस वाला मोड को भी एक इंडियन क्रिएटर ने बनाया है, उसका भी नाम आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बंदे ने काफी ज्यादा मेहनत किया और बहुत कम ही लोग इंडिया के लिए मोड बनाया था, तो आप लोग इनके चैनल को जाकर चेकआउट कर लेना। ये मोड काफी ज्यादा ऑसम और इसमें एक और फीचर है, मैं आप लोग को वो भी दिखाता हूँ। आप लोग को इन्वेंटरी में कुछ ऐसे वाले एग मिल जाएंगे, तो आप लोग उसे लेके स्पॉन कर लेना। और जैसे ही आप लोग इसे स्पॉन करते हो, अभी तो ये आप लोग को नॉर्मल मिल रहा होगा, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्राउच करके पोज वाला बटन पर क्लिक करते हो, यहाँ पर देख सकते हो ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हो सारे स्टैचू में यहाँ पर आप लोग को एनिमेशन मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा सही है। बट मैंने हिंदी विलेजर मोड यूज किया था, जिसमें विलेजर जो है वो हिंदी बोलते हैं। ये मोड काफी ज्यादा फनी भी है, बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके के डायलॉग बोलते हैं ये सारे विलेजर। यहाँ पर लास्ट में आप लोग को एक रिक्शा भी मिल जाएगा, जो कि इंडियन रिक्शा है। यहाँ पर देख सकते हो बहुत ज्यादा सही है ये भी। आप लोग के एरिया में ये वाला रिक्शा अभी भी चलता है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ। के पास अगर आप लोग जाते हो तो यहाँ पर राइड का बटन आएगा, आप लोग इसके राइड कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो काफी ज्यादा सही एनिमेशन है, इसका पैंडल वगैरह घूम रहा है। ये दोनों जो मोड है उसका क्रिएटर का जो चैनल है वो मुझे नहीं मिला। मुझे कभी भी बाद में मिल जाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैंने तो आप लोग को सारी चीज दिखा दिया, आप लोग इसे कैसे प्ले कर सकते हो वो भी बताया था। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, वरना आप लोग प्ले नहीं कर पाओगे, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। वीडियो को कमेंट सेक्शन में चल जाना, वहाँ पर आप लोग को एक लिंक पिन मिलेगा, जाके आप लोग उसे डाउनलोड कर लेना। जैसे जब हम जाकर फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना, आप लोग करने के बाद जो फाइल बनेगा उसे ओपन करोगे तो वहाँ पर आप लोग को पांचों मोड देखने को मिल जाएंगे। तो पांचों को सीधा आप लोग को क्लिक करके उसे इंपोर्ट कर लेना। अगर आप लोग को करना नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं सेकंड जहाँ पर वीडियो डाल दूंगा कैसे इंपोर्ट। पांचों मोड को एक एक करके इंपोर्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पर गेम को ओपन कर लेना, आप लोग को यहाँ से सेटिंग को ओपन कर लेना और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके ग्लोबल रिसोर्स में जाना है और यहाँ पर माई पैक में जाना और यहाँ पर ओरिजिनल टेक्सचर